नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर 2019 का राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए किस तरह का रहने वाला है, कैसी रहने वाली है उनकी कैरियर, उनकी आर्थिक स्थिति, साथ ही उनके रिलेशनशिप के मामले, कौन से विशेष ग्रह उनके लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उनका प्रभाव किस तरह का रहेगा, इन सारे विषयों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में दिए गए राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों ही के जातक देख सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य देव आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 सितंबर के बाद आप ही के राशि में आ जाएंगे। सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए नेगेटिव प्रभाव लाने वाले हैं। आपके जो भी स्ट्रेस चल रहे थे वो इस महीने में भी कंटिन्यू रह सकते हैं। इस दौरान सूर्य देव के प्रभाव के कारण कोई भी बड़ा निर्णय ना ले। कन्या राशि के जातक अपने जीवन में बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, लेकिन सूर्य देव के अच्छे स्थिति में नहीं होने के कारण उनके डिसीजन इस समय में गलत साबित हो सकते हैं, जिसके कारण आपको अपने डिसीजंस के मामलों में सावधानी अवश्य बरतनी है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके मंगल ग्रह के बारे में। मंगल देव भी आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं और 26 सितंबर के बाद वे आप ही के राशि में गोचर करेंगे। सितंबर के महीने में एक बड़ी कालावधि में मंगल देव आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, वे भी आपके लिए कुछ अच्छे प्रभाव नहीं ला रहे हैं। उनका भी यह गोचर आपके लिए प्रॉब्लम्स लाने वाला है। इस समय में कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल देव अशुभ ग्रह हो रहे हैं, क्योंकि आपके तृतीयेश भी हैं और साथ ही अष्टमेश भी हैं। मंगल देव के प्रभाव के कारण सितंबर के महीने में आपको अपने सेहत के लिए बहुत ज्यादा सजग रहना है। सेहत के रिलेटेड आपके समक्ष कुछ परेशानियां उभर कर आ सकती हैं, तो जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मंगल देव के प्रभाव के कारण इस दौरान कोई भी नया सफर ना करें और कोई भी बड़ा डील ना करें, सावधानी अवश्य बरतें। साथ ही दोस्तों, इस दौरान कोई भी ऐसे डील्स में ना पड़े जिसमें आपको नजर आए कि आपको फायदा ज्यादा होगा कम समय में, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से दूर रहें, क्योंकि आपका लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा बन रहा है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके बुध ग्रह के बारे में। बुध देव भी आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं और 11 सितंबर के बाद वे आपके ही राशि में गोचर करेंगे और साथ ही 30 तारीख के बाद बुध देव आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। बुध देव एक बड़ी कालावधि में आप ही के राशि में गोचर करेंगे और आपके स्वामी बुध देव हैं, जिनके कारण उनकी स्थिति अच्छी होने के कारण आपका मन स्थिर रहेगा, जिसके कारण आप इस दौरान अच्छे निर्णय ले पाएंगे। बुध देव के आप ही के राशि में गोचर करने से आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस और साहस इस दौरान दिखाई देगा। बुध देव के प्रभाव के कारण आपके जो पुराने काम अटके हुए थे वो भी अच्छे निर्णय लेने के वजह से कंप्लीट होते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि रवि और मंगल आपके लिए अशुभ प्रभाव ला रहे हैं, लेकिन बुध देव का प्रभाव सितंबर के महीने में आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति देव आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से वे आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं और साथ ही दोस्तों नवम दृष्टि से वे आपके लाभ भाव को देखेंगे। बृहस्पति देव की यह सारी ही दृष्टि आपके लिए शुभ साबित होने वाली है। लाभ के क्षेत्र में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस समय में बृहस्पति देव के प्रभाव के कारण आपकी आर्थिक स्थिति नॉर्मल रहेगी। कहने का तात्पर्य यही है, कोई प्रॉब्लम्स पैसों के रिलेटेड आपको नहीं आने वाली है। साथ ही इस दौरान दोस्तों, जो कन्या राशि के जातक वैवाहिक हैं या फिर जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते भी बहुत हार्मनी में चलेंगे। रिश्तों में मजबूती आएगी, आपस का तालमेल बढ़ेगा। हालांकि छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामलों में ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आइए दोस्तों बात करते हैं आपके शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र देव आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं और 11 सितंबर के बाद वे आप ही के राशि में गोचर करेंगे। शुक्रदेव आपके लिए द्वितीयेश भी हैं और आपके भाग्येश भी हैं। शुक्रदेव का प्रभाव भी सितंबर के महीने में पॉजिटिव रहने वाला है। ये आपके भौतिक सुखों को बढ़ाने वाले होंगे, साथ ही रिलेशनशिप के मामलों में भी कुछ नए आयाम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसके कारण खास करके वैवाहिक जोड़ीदार के साथ आपके मनमुटाव दूर होंगे। शुक्रदेव आपके राशि के लिए अच्छे स्थिति में होने के कारण पैसों के रिलेटेड कोई भी काम आपके अच्छी तरह पूर्ण होंगे। साथ ही आपके जो काम गवर्नमेंट सेक्टर से हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो वो रुके हुए थे, इस दौरान वो भी आपको पूर्णतः कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। आइए दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं आपके शनि ग्रह के बारे में। शनि देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और 18 सितंबर के बाद वे मार्गी होने जा रहे हैं। इससे पहले वे वक्री अवस्था में होने के कारण आपको अच्छे फल प्रदान नहीं कर रहे थे, उनके फल में कमी रह रही थी, लेकिन जैसे ही 18 तारीख के बाद मार्गी होंगे वे आपके
रुके हुए काम को कंप्लीट कराने वाले होंगे। भाग्य का साथ भी आपके लिए रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्यदेव आपके लिए लाभ के द्वार भी खोलने वाले हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सितंबर के महीने में बहुत ही अच्छी रहने वाली है। शनिदेव के बकरी अवस्था में होने के कारण जो आपके घर परिवार में मनमुटाव चल रहे थे वो इस दौरान समाप्त होंगे और सेहत रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे वो भी धीरे धीरे सॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। दोस्तों, सितंबर के महीने में कुछ ग्रह कन्या राशि के जातकों के लिए विपरीत है और कुछ ग्रह उनके लिए फेवरेबल पोजीशंस में है। तो सितंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला प्रभाव लेकर आने वाला है। तो दोस्तों, ये था सितंबर 2019 का राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।